यही तो बोल रहा हूँ, 10 साल होगी सड़कें बनी ही नहीं है कहीं पे भी। हमारे मेन रोड भी गलती से एक आध बार बन गए, नहीं 10 साल में रोड भी नहीं बने। हमारा टिकड़ी का स्कूल है, वो स्कूल ही बेच खाया, पानी के टैंकर वो बेच रहा है, किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है, विधवाओं की पेंशन वो बुजुर्ग पेंशन बंद कर दी 4 साल से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के संगम बिहार के वार्ड 161 में, और मैं यहाँ जानने के लिए आया हूँ कि जनता की क्या राय है, आगामी जो नगर निगम चुनाव आ रहे हैं उसको लेके जनता की क्या तैयारियां हैं, जनता का रुझान किस तरफ है, क्या कहना चाहेंगे, ये चुनाव आ रहे हैं उसको लेके एमजीडी चुनाव में। मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी अच्छा काम कर रही है, बीजेपी को सभी को समर्थन करना चाहिए। क्या अच्छा काम कर रही है? अरे बीजेपी अच्छा ही काम कर रही है, सब कुछ सुविधाएं हैं, ऐसा सुविधाएं नहीं है। देखो लाइन भी बिछ गई है, पानी की लाइन भी बिछ गई है, सीवर की लाइन भी बिछ गई है, पानी ट्यूबवेलों से आ ही रहा है और वैसा पानी भी मिल रहा है। पर मैं एक जरूरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में किसानों को 2,000 रुपये किस्त के द्वारा दिए, एक साल के अंदर 6,000 रुपये दिए, इस तरह से जितने भी बुजुर्ग हैं उनको प्रधानमंत्री अपने द्वारा सब लोगों को पेंशन के तौर पर पैसा दें, आधार के सबूत के आधार पर, जैसे किसानों को पैसा दिया गया है, किसी को पैसे मिलते हैं किसी को नहीं मिलते। मेरी आज तक पेंशन नहीं बनी है, मैं 65 साल का हो चुका हूँ और मैं झाड़ू वालों के पीछे लगा रहता हूँ, पर किसी ने मेरी सुनी नहीं और ना आज तक मेरी पेंशन बनी। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जनता को बहुत कुछ करेंगे, फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, महिलाओं की पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन। भैया मेरे 4,000 मेरा बिजली का बिल 4,000 रुपये आया है, मेरे पास बिल भी मौजूद है और मेरा 25 गज का प्लॉट है। अब बताइए मैं कहाँ से बढ़ू, बुढ़ा हूँ मैं। एमजीडी चुनाव को लेकर जनता का रुझान किधर है? बीजेपी, सिर्फ बीजेपी। आम आदमी पार्टी को लोग बाग मंदिरों पर भी नहीं चढ़ने दे रहे, सिर्फ बीजेपी के पर ध्यान दे रहे हैं। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, अपनी गली मोहल्ले में अच्छा काम विकास कर रही है। सिर्फ आम आदमी पार्टी के ये भ्रष्टाचारों से लोग बाग झुक चुके हैं। क्या क्या भ्रष्टाचार है? ऐसा ही है, जो कानून मंत्री सत्येंद्र जैन है वो जेल में बैठे हुए आराम कर रहे हैं, फिर ये टिकट के बंटवारे पे किसी को 1 करोड़ रुपए में, किसी को 70 लाख रुपए में ऐसे टिकट बेच रहे हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, अच्छा काम कर रहे थे तो कुल मिला के उनको टिकट ना देने की बजाय किसी के पैसे से पैसा ले दे के भाई टिकट हुआ है उनका। तो हर आदमी का, हर जनता का आम आदमी पार्टी से विश्वास उठ गया है। एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, मोदी को वोट डालेंगे। किसका रुझान ज्यादा है? मोदी जी। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। क्यों वोट देना चाहेंगे? क्या क्या आपको उनके काम अच्छे लगे, क्या क्या सुविधाएं दी आपको? उनके काम बहुत अच्छे लगे, और जो एमसीडी में अभी क्या बातें चल रही हैं, जो केजरीवाल के विधायक हैं कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ के जो रोड बने हुए हैं 10 साल हो गए, आज तक कुछ भी इन्होंने नहीं करा, बने हुए भी रोड खोद दिए इन्होंने, कोई भी काम नहीं करा, ना पानी देते हैं, टैंकर भी आते हैं तो उनके आदमी कहते हैं कि हमें पैसे चाहिए, हम पैसे कहाँ से ला के दें इन्हें। अच्छा, पैसे की डिमांड करते हैं आप? पैसे की डिमांड की जाती है, कहते पानी है नहीं। अब आज ही इनके ये हाल है, फिर जीत जाएंगे तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये बताइए एमसीडी चुनावों की तैयारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, इस बार जनता का रुझान किधर है? जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है जी। केजरीवाल सरकार ने कोई इधर काम नहीं किया। जो हमारे तिगड़ी में जारवाल जी हैं विधायक यहाँ से, उन्होंने तो गुंडागर्दी के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं किया है, और अब उनके घर के आगे से जैसे ही आप निकलोगे तिगड़ी का स्कूल है, वो स्कूल ही बेच खाया। ये कहते हैं कि हमने स्कूल में शिक्षा दी है, स्कूल बनाए हैं, कोई स्कूल नया नहीं बना, कोई स्कूल में कोई काम नहीं हुआ। जी क्या कहना चाहेंगे एमसीडी चुनाव को लेकर? एमसीडी चुनाव को ये कहते हैं जी बीजेपी आएगी। आप किन मुद्दों के साथ जाना चाहेंगे, क्या मुद्दे? मुद्दे ही मुद्दे हैं जी। चोर केजरीवाल नहीं, वो चोर वाल है, पानी के टैंकर वो बेच रहा है, किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है, विधवाओं की पेंशन वो बुजुर्ग पेंशन बंद कर दी 4 साल से, किसी को राशन 8 साल से किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, तो किस मुद्दे पे केजरीवाल बोल रहा है? बड़े वादे करती है, विकास के दावे करती है कि हमने काफ़ी विकास कराया दिल्ली में, लेकिन वहीं जब बरसात का मौसम आता है सड़कों में उन गड्ढों में जलभराव हो जाता है, जगह जगह गड्ढे हो जाती हैं और जनता का निकलना दूभर हो जाता है, तो उसको लेके क्या कहना चाहिए? संगम बिहार की हालत जो शुरू से ऐसी है जी, पानी भरता है घुटने घुटने पानी, क्या कमर कमर पानी हो जाता है, निकलने की रास्ता नहीं होती, बच्चे नाले में, एक बच्चा गिरा था, एक बार 2 बच्चे गिरे थे, जिसमें एक बच्चे को मैंने पूरी रात ढूंढ करके एक बच्चे को मैंने डीडीफ्लर तिगड़ी में से निकाला था, और उसमें मैं टीवी में भी मेरी फोटो आ रखी थी, तो मैंने उस बच्चे को ढूंढ के निकाला, एक बच्चा उसमें से ख़त्म हो गया था। आज भी वही स्थिति है,
कोई सुधार नहीं है जी। सफाई की व्यवस्था है आपके यहाँ? बिल्कुल जी, यहाँ पे एमजीडी वाले आते हैं, सफाई वाले आते हैं जी। अनिता सिंगल ने बहुत अच्छा काम करा जी, जो हमारी निगम पार्षद रही थी, स्कूल बनवाया है केजरीवाल ने संगम विहार के अंदर, कोई स्कूल नहीं बनाया पूरी देवली विधानसभा में, आप जाके देख सकते हैं। अनिता जी ने एमजीडी स्कूल में, उनके अंडर है तो उन्होंने 5 स्कूल बनवाया है, आप जाके देख सकते हैं। और कूड़ा ढलान घर बनवाया जी, और बांध पे जो कूड़े की समस्या थी उसे समाप्त करके पार्क बनवाया। प्रदूषण को लेकर क्या क्या काम हुए? प्रदूषण में कोई भी इन्होंने कोई टावर वगैरह नहीं लगाया, एक गौतम गंभीर का जरूर हमने सुना था कि जमनापाल लगाया, बाकी की तो हमने कहीं न सुना न देखा जी। यहाँ तो प्रदूषण की स्थिति और ज़्यादा ख़राब है, जब तो कहते थे कि पंजाब में किसी और की पार्टी, अब तो पंजाब में इनकी पार्टी, पराली को रोके क्यों नहीं रोकते जी? केजरीवाल जी कहा था कि हम शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे और फ्री दवाएं। कहाँ से मोहल्ला क्लिनिक, कहाँ से मोहल्ला क्लिनिक, कहाँ क्लिनिक? आप बत्रा पे जाके देखो कौन सा क्लिनिक है, उसमें गधे घोड़े घूम रहे हैं, वहाँ रोज आके शराबी बैठ के शराब की स्थिति साफ करने का बाद आप देखें ना कौन सा रोड सुधा हुआ, ये देखें आप सड़कों की स्थिति देखें, 8 साल से 1.5 किलोमीटर का रोड नहीं बना पाए। अच्छा, निगम बड़े बड़े दावे करती है लेकिन जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है जब बरसात का मौसम आता है, उसको लेके क्या कहना? जल भराव की स्थिति है जी, अभी अनऑथराइज कॉलोनी है, पास हुई है, लेकिन जब सड़कें नहीं बनी है, कहीं कुछ नहीं है, ये देखें आप रोडों का हालत देखें तो कहाँ से पानी निकलेगा? केजरीवाल सरकार जी कहते सीवर डालेंगे, ऐसा सीवर डालें आप उनमें से देखें तो कुछ उसमें पानी जाएगा ही नहीं जी, बहुत बुरा हाल है। अब की बार केजरीवाल साहब इस बार जय श्री राम भाजपा सरकार। आप देखेंगे केजरीवाल जी कहते थे कि यमुना की सफाई हम करेंगे, हर 2 साल बाद कहते हैं जी 2 साल बाद करेंगे, अगले चुनाव में करेंगे। इस बार छठ पूजा पे आप केजरीवाल जी की सिर्फ एक फोटो दिखा देना, किसी छठ घाट पे गए हों, किसी पूर्वांचल समाज के किसी भी छठ पूजा में गए हों, क्यों नहीं गए? क्योंकि पूर्वांचल समाज के अंदर इतना आक्रोश था केजरीवाल जी के खिलाफ कि उन्होंने यमुना में सफाई नहीं करी, बेचारे वहाँ लोग गंदगी में कैसे जाते, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। वो तो कहते थे कि हम जो है यमुना को साफ कर देंगे, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। आप देखें तो सही, काहे को जन्माष्टमी, काहे को क्या डुबकी लगवा देते वहाँ जाके, एक बार डुबकी लगवाए कहते थे मैं यमुना जी में सबको नहलाऊंगा, खुद तो गए नहीं नहाने के लिए, लेकिन लोगों की आस्था थी तो लोग गए। फिर भी देखो आस्था तो सबसे ऊपर है जी, लेकिन जो आस्था से खिलवाड़ करे इंसान। ऑल ओवर क्या लगता है? ऑल ओवर बीजेपी जी, बाढ़ 161 से अनिता सिंगल। साफ सफाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे, मोहल्ले में साफ सफाई होती है? सफाई सफाई सब कुछ हो रही है भाई, जब तक हमारे नेता मौजूद है जब तक सफाई हो ही रही है। जल भराव की समस्या चली रही है, आप देख रहे हो सड़कें कभी बनी ही नहीं आज तक, यही तो बोल रहा हूँ 10 साल होगी सड़कें बनी ही नहीं है कहीं पे भी, हमारे मेन रोड भी गलती से एक आध बार बन गए नहीं, 10 साल में रोड भी नहीं बने। हमारा टीनू पब्लिक वाला हमारे पास एक ही रोड है, वो आज तक ही नहीं बना जब से सरकार आई है। पीछे कूड़े की पहाड़ की राजनीति हुई कि जो है आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि उसने पहाड़ खड़े किए, हमने हटाए, किसी ने कोई पहाड़ नहीं हटाया ना, कोई कूड़ा था, थोड़ा बहुत कूड़ा था बस, वो कूड़ा था, कोई पहाड़ नहीं है, जो भी कूड़े उठाने वाला ही नहीं आता है कोई, यहाँ से प्राइवेट बांध रखे हुए हमने तो प्राइवेट में कूड़े चले जाते हैं, कोई भी नहीं सुनवाई हो रही है अभी यहाँ पे। शिक्षा की बात करते थे, सफाई की बात करते थे, ये झूठ है, इससे बड़ी गद्दार पार्टी दूसरी कोई आई नहीं आज तक, कोई रोड नहीं, कोई शिक्षा पे कोई वो नहीं, कहीं स्कूलों में पानी की पीने तक की व्यवस्था नहीं है। मोहल्ले में आपके साफ सफाई होती है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं होती। और जिन गाड़ियों को हम टेम्पर वगैरह को बुलाते हैं फ़ोन कर करके जिससे हम काम कराते हैं, हमारे यहाँ एक MCD में एक बीरपाल जी हैं, हम उनको फ़ोन करते हैं तब उनकी कहीं गाड़ी हफ्ते में 2 बार या 3 बार आती है। सड़कें दुरुस्त हैं आपके यहाँ? सड़कें सारी ख़राब हैं और आपके सामने ही हैं, कोई सड़क नहीं बनी, 7 साल 8 साल इसे आम आदमी पार्टी को बने हुए हो गए, इन्होंने न किसी शिक्षा पे ध्यान दिया, न स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, किसी चीज़ पे पानी पे ध्यान ही नहीं दिया। जो जौली जी के टाइम में लाइन पड़ गई थी उसमें पानी चल रहा है और वो भी केवल T.Tigdi तक मिलता है, उसके बाद में अगर आप इधर की साइड आएंगे तो पानी की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, इन्होंने 1 इंची पानी की लाइन आगे नहीं बढ़ाई है। पाल जी तो ये कहते हैं कि मैं मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ है, मैं यमुना को साफ करने की बात कहते हैं, वो झूठा आदमी है जिन्होंने अपने बच्चों की कस्में खाई, सारी चीज़ें आपके सामने है साहब, उसमें बताने की क्या चीज़ रह जाती है? क्या रहेगा चुनाव परिणाम? केजरीवाल बिल्कुल साफ, अभी MCD में भी साफ और आने वाले विधानसभा में ओनली BJP। बाढ़ 161 BJP जीतेगी और बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हो सकता है ये मेयर बन के आएंगी। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।